मुझे ये बताएं कि सोलर पैनल क्या इतना पावरफुल है कि बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री जो विदाउट किसी चीज़ के सोलर पैनल पे किस तरीके से चल सकती है? देखिए, सोलर पैनल में समझने की ज़रूरत है कि सूरज क्योंकि पावरफुल रिसोर्स तो है, बिल्कुल है, लेकिन रिलायबल रिसोर्स नहीं है उस तरह से कि अगर बादल आ जाते हैं तो उस वक्त जो है उसकी जनरेशन जाहिर है कि लिमिट हो जाती है। तो जब ये बड़ी इंडस्ट्रीज में हम लगाते हैं, इवन जब हम घरों में मेनली लगाते हैं, जो ऑन ग्रिड सिस्टम की जो बात कर रहा था, ऑन ग्रिड सिस्टम जो हम लगाते हैं, तो समझें कि ये कॉम्बिनेशन में चल रहा होता है। सही, कि आपके जो के इलेक्ट्रिक या बाबदा या जो भी आपका सप्लायर है उससे और सोलर के कॉम्बिनेशन में चल रहा है। ठीक है, कि अगर आपकी सोलर की पावर ज़्यादा बन रही है तो वो आप के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी सोलर की पावर कम बन रही है और आपकी खपत जो है, आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, सही है, तो आप कुछ हिस्सा के इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं। लेकिन इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम में खासतौर पे लिमिटेशन कोई नहीं होती कि आप कौन सी कितने हैवी मशीन लगा सकते हैं, कितनी नहीं लगा सकते। अच्छा, कोई लिमिटेशन? कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए ही आप देखते हैं कि नूरियाबाद में आपसे इंडस्ट्रीज देख लें सारी, बिल्कुल साइट एरिया में आप सारी इंडस्ट्रीज देख लें, जो बड़ी बड़ी मेगावाट के प्लांट्स लगे हुए हैं, वो मेनली प्राइमरी सोर्स उनकी सोलर पे शिफ्ट हो गई है, कुछ की हो गई है, कुछ की होना शुरू हो गई है। तो कुछ ने 40%, 20%, 25%, कुछ ने 80%, 100% तक भी सोलर पे अपने आप को ट्रांसफर कर लिया है। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जुलाई या अगस्त में खड़े हैं जी, तो बारिश हो रही है, बिल्कुल, तो उस वक्त उनको के इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, तो इसमें कोई लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए और मैंने जैसे अर्ज किया, जितना सिस्टम हमारा साइज बड़ा होता जाता है उतनी हमारी ROI बढ़ती कम होती जाती कम होती जाती ROI कम होने का मतलब ये कि आप इन्वेस्ट जितना करेंगे उतना जल्दी आप निकालेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा था 2 से 2.5 साल आपको एक घर के उसको सिस्टम को निकालने में या कमर्शियल सिस्टम को निकालने में जो इन्वेस्टमेंट की है 2 से 2.5 साल लगते हैं, तो ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम हैं ये तो 1.5 से 1.75 साल के अंदर अंदर आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपके पास वापस आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ ऐसी है कि अगर आप टीयर 1 पैनल लगाते हैं तो 10 साल से प्लस इनकी वारंटीज होती है, 12 इयर्स प्लस वारंटीज होती है, 10-12 साल की वारंटीज होती है, मतलब। और इन्वर्टर की भी वारंटी 5 इयर्स 5 साल से ज्यादा होती है। फिर जैसे हम अच्छी कंपनी से अगर आप लगाएंगे, जैसे वोल्टेक पावर से अगर आप लगाते हैं, तो स्ट्रक्चर की आपका जो फ्रेम होता है उसकी भी वारंटी आपको 10 साल की मिलती है। ठीक ठीक, तो आप 2 साल में समझे आपने अपना खर्चा बाहर निकाल लिया, 8 साल तक आप मुफ्त में एंजॉय करें, इस्तेमाल करें 8 साल कम अज कम, वारंटी के बाद भी चीजें जो है वो चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा सर, यही चीज़ मैं अगर एग्रीकल्चर से आपके बात करूँ, एग्रीकल्चर की जिस तरीके से कराची से आप बाहर चले जाएं, सखर हो गया, हैदराबाद हो गया या इंटीरियर हो गया, तो वहाँ पे इनका क्या सोलर पैनल के क्या मामला है? देखिए, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी जो खासतौर पर क्योंकि ट्यूबवेल चलाने के लिए हमें चाहिए होता है, ये पंप मोटर बोरिंग मोटर्स होती हैं उनको चलाने के लिए बिजली इस्तेमाल होती है, और अक्सर जगहों पे ग्रिड मौजूद नहीं होती कि बाबदा मौजूद है भी तो बहुत ही मुश्किल मौजूद है, बिल्कुल, या कई जगहों पर मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ पर आपने फसलों को पानी वगैरह देना है, वो मामला करने के, जनरेटर पहले चलते थे, अब जनरेटर का शोर भी है, ख़र्चा भी ज़्यादा है, फिर ख़राबियाँ ये भी सारी चीज़ों से रहती हैं। तो उसमें भी एक तो गवर्नमेंट ने भी, हुकूमत पंजाब ने भी और हुकूमत सिंध ने भी इसके ऊपर काम किया है, और मुझे नज़र आ रहा है कि और भी काम इसके ऊपर होगा, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी काम किया है। तो क्योंकि जाहिर है जिसका मसला होता है, जिसके सर पे पड़ी हुई होती है और उसके तो रोजी रोटी का सवाल, बिल्कुल सही है, तो वो तो कोशिश करता है कि जो नई चीज़ आ रही है जो बेहतर उसके लिए है, तो उस पर अगर 2-4 पैसे ज़्यादा भी लग रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करें, ताकि 2 पैसे लगा के 4 पैसे कमा सके, 4 पैसे कमा सके। तो उसमें ये होता है कि वो थोड़ा लेकिन डायरेक्ट सिस्टम होता है, उसमें जैसे मैंने मेंशन किया इन्वर्टर उस तरह से नहीं होता। इन्वर्टर का काम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एसी डीसी बिजली को जो कि सोलर पैनल बनाता है उसको एसी बिजली में कन्वर्ट करना होता है, अल्टरनेटिंग करंट में, जो कि हमारे घरों में आमतौर पर या जहाँ भी फैक्ट्री में किसी भी जगह पर स्कूल में कॉलेज में इस्तेमाल हो रही होती है आमतौर पर, जो एग्रीकल्चर के लिए सिस्टम लगता है उसमें इसकी जगह लगती है, इन्वर्टर की जगह वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस VFD इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, VFD DC to DC ही प्रोडक्शन कर लेते हैं, कि मतलब जितनी डायरेक्ट सोलर से बन रही है वो DC में ही आपके जो वो है पंप, DC पंप लगे होते हैं, तो DC मोटर्स में ही उनको जो है वो भी बैटरी के थ्रू होती हैं, उसमें भी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ठीक है, बैटरी की ज़रूरत उसमें नहीं होती, हाँ उसको कभी चलाने के लिए कभी एक्स्ट्रा आपको, लेकिन पंप्स में अक्सर बैटरी क्योंकि हैवी होता है, लोड हैवी होता है, तो बैटरी की ये लिमिटेशन ज़रूर है कि उस पर हैवी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं चलते। तो उसमें होता ये है कि डायरेक्ट जब आपके पास सूरज मिल रहा है आपको, ठीक है, 3-4-5 घंटे जब आपको अच्छा सूरज मिल रहा है उस टाइम पे आप उसको ऑन करें, अपना सिस्टम इस्तेमाल करें, पानी को पंप करेगी अपनी मोटर की हॉर्स पावर के हिसाब से, कि वो 2 हॉर्स पावर की मोटर है, 5 की है, 10 की है, 15 की है, 20 की है, जितने भी हॉर्स पावर की मोटर है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितनी
गहराई से आपको पानी मिल रहा है ऐसा ही, और कितना आपकी जो डायमीटर है उसका जो इंच कितने इंचेस का डायमीटर है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितनी हैवी मोटर आपने लगाई। सही, उसके हिसाब से ही आपको जो है वो सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। अगर आपकी 5 हॉर्स पावर की मोटर है तो आप शायद 7 या 8 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे, अगर आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर है शायद 12 या 14 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको वो पावर प्रोवाइड